नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मृति आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कई बार, क्योंकि यह जो दिक्कत है यह उनके नवजात शिशुओं से डायरेक्टली रिलेट करती है, क्योंकि वो उन बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं। आइए आज हम जान लेते हैं थोड़ा सा मेस्टाइटिस के बारे में। मेस्टाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, और क्या मेस्टाइटिस की वजह से माओ को अपने बच्चे को दूध पिलाना रोक देना चाहिए, क्या इससे कोई बच्चे को दिक्कत होगी या नहीं होगी। मेस्टाइटिस यानी कि जब आपकी ब्रेस्ट के अंदर सूजन आ जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए और इसकी वजह से आपकी जो ब्रेस्ट है वो आपको गर्म महसूस होनी शुरू हो जाए, आपको हल्की हल्की गर्माहट आती हो, या वो आपको रेड दिखनी शुरू हो जाए, या फिर वो अगर आपको स्वेल की हुई फील होना शुरू हो, तब जो है हम उसे मेस्टाइटिस बोलेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अधिकतर जो औरतें हैं वो सोचती हैं कि अब पता नहीं मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो कहीं कोई इसको बीमारी ना लग जाए या कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आप इस प्रॉब्लम से जो है निश्चिंत रहें, क्योंकि ऐसा नहीं होता। एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें कि कभी वो कोई बीमारी तो नहीं है, पर अगर वो सिंपल मेस्टाइटिस है तो बच्चे को दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं उस टाइम पे या प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ जो है नॉर्मल होती है, क्या होता है आपका कई बार मिल्क जो है अंदर कोई डक्ट जो अंदर पाइप है आपकी ब्रेस्ट के अंदर, अगर वो कहीं दब रही हैं या आपका मिल्क एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उस वजह से जो है आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। पर वो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मिल्क के अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। और अगर आप लोग अपनी ब्रेस्ट को खाली रखेंगे यानी कि ब्रेस्ट से मिल्क जो है अपने बेबी को पिलाएंगे, तब जो है आपकी इन्फ्लामेशन जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हाँ, पर ये ज़रूरी है कि आप एक बार डॉक्टर से ये ज़रूर कंसल्ट कर लें कि वो मेस्टाइटिस ही है या किसी और बीमारी का संकेत है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि मेस्टाइटिस की वजह से फीमेल को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी ब्रेस्ट जो है आपको सोर फील होगी, यानी कि उसमें हल्की टेंडरनेस भी होगी, दर्द जो है वो आपको हल्का हल्का महसूस होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट है, एक तो वो जो है गर्म महसूस हो सकती है, या साथ ही आप लोगों को हल्का फुल्का फीवर भी आ सकता है। इसके बाद आप लोगों को इस प्रॉब्लम की वजह से ब्रेस्ट के अंदर ज़्यादा दर्द भी महसूस हो सकता है, और साथ ही आप लोगों को निप्पल्स जो हैं वो क्रैक दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो है आपकी लैचिंग प्रॉपर नहीं हो रही, कई बार वो जो इन्फ्लामेशन है वो किसी एब्सेस का रूप ले लेती है, यानी कि वहाँ जो है पस सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपको करना क्या है, अपनी ब्रेस्ट को जल्द से जल्द खाली करना है बच्चे को मिल्क फीड करके, और अगर बच्चा इतनी फीड नहीं ले रहा है तब भी आप अपने मिल्क को जो है बाहर डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर यही दिक्कत मैरिज से पहले या जो प्रेग्नेंट नहीं है या जिनके छोटा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग वाला नहीं है, अगर उनके साथ ये दिक्कत आ रही है, तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी बीमारी का रीज़न भी हो सकता है। कई बार आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होने का चांस रहता है। ऐसे ऐसा बहुत कम होता है कि आपकी जो इन्फ्लामेशन वगैरह है वो किसी कैंसर का कारण हो, पर ऐसा हो भी सकता है, तो अपनी सेफर साइड पे रहें और अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर एक बार चेक करवा लें। अब बात करते हैं क्या होम्योपैथी में ये इन्फ्लामेशन रोकने का कोई तरीका है, तो हाँ जी बिल्कुल है। हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं, जैसे कि अगर मैं दो चार की बात करूं तो उनमें से एक बेलाडोना है,
या सिलिशिया है या हेपर सल्फ है या सल्फर है या क्रोटोन टिग है या ऐसी सी और भी कई होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि आपकी ब्रेस्ट की इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छे से काम करके आपकी इन्फ्लामेशन को, मेस्टाइटिस को ठीक कर सकती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।